हेलो फ्रेंड्स, आरसीआई कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल की वीडियो में आपको बताया था इंसर्ट टैब में, ओके। इंसर्ट टैब में आपको क्या बताए थे मालूम है ना? अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो पर क्लिक करके आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एमएस वर्ड का होम टैब, और आपको होम टैब का डिटेल्स में सारा मैं एक एक करके बताया हूँ, वो वीडियो जरूर देखिए। अगर ये वीडियो आप नहीं देखते हैं ना, तो आप जो है इंसर्ट टैब आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, ओके। तो होम टैब और फाइल टैब के बारे में सारा डिस्कस कर चुका हूं, तो ये वीडियो आप जाकर जरूर देखें। चलिए, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा टेबल के बारे में। तो इंसर्ट टैब में आपको मैं जो है कवर कर चुका हूं कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ये तीन चीज मैं आपको बता चुका हूं ना, तो ये आप जरूर इस वीडियो को कंप्लीट से देख लीजिएगा, ताकि आप भी समझ जाइएगा कवर पेज कैसे कंप्लीट करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, ओके। तो चलिए, आज की इस वीडियो आपको बताऊंगा इंसर्ट टैब में टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के अंदर टेबल हम लोग क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टेबल क्या होता है, ओके। देखिए, अगर आप एमएस वर्ड में फुल्ली तरीका से एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं और सही तरीके से अगर जानना चाहते हैं ना, अगर आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट, बिना स्किप करना, स्किप नहीं करना, इन्हें कि हम स्किप कर करके देख रहे हैं ना, तो स्किप मत किया कीजिए वीडियो, क्योंकि देखिए एक एजुकेशन है ये, मैं सिखा रहा हूँ, ओके। तो इसमें क्या होता है कि सोलो हम लोग कुछ सिखाने के लिए हम लोग जल्दी जल्दी नहीं बोल पाते हैं, इसलिए अच्छे ढंग से सिखाने के लिए, आप लोग को पढ़ाने के लिए इस सही ढंग से वीडियो को आपको जरूर देखना होगा, ताकि आप पूरी इस वीडियो को देखकर आप समझ चुक सकें कि ये वीडियो जो है आपको एमएस वर्ड में कितना ताकतवर इंसर्ट टैब होता है। तो इंसर्ट टैब के अंदर आप टेबल जान लेते हैं, तो आपका एमएस वर्ड फुल्ली तरीका से कंप्लीट हो चुका है। अगर एमएस वर्ड में आप इंसर्ट टैब के अंदर टेबल सीख लेते हैं, तो मान लीजिए कि आप जो है एमएस वर्ड फुल कोर्स कर लिए, तो फिर आपको कुछ टेंशन ही नहीं है। तो सबसे बड़ा झमेला होता है टेबल सीखना। बहुत सारे स्टूडेंट को है ना टेबल आता ही नहीं है, वो टेबल का ड्रॉ करने नहीं आएगा इंसर्ट सीखने के बाद भी, इसलिए वीडियो को हम बोल रहे हैं आपको बार बार स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से जरूर देखिएगा, ओके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, अपने फैमिली को शेयर कर दीजिएगा। और एक एप्लीकेशन है मेरा, वो मिल जाएगा आपको गूगल प्ले स्टोर में, तो आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर सर्च करना है क्या RCI कंप्यूटर एजुकेशन, और आपको इंस्टॉल मतलब कि डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद वहां से आपको बहुत सारे बुक मिल जाएंगे, बुक वीडियो मिल जाएंगे, और वहां पे आपको जाकर उस वीडियो को परचेस कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते सस्ते दामों में उपलब्ध किया हूँ वहां, आप पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपको, है ना। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो आपको ISO रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है RCI कंप्यूटर एजुकेशन, आपको किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, बिहार, झारखंड, UP, MP, बंगाल, वहां तक मेरा जो है आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है और आपको जरूर किया जाएगा। तो जाइए, देर किस बात की, पहले आप इंस्टॉल कर लीजिए हमारे एप्लीकेशन को, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टेबल होता है क्या है। तो टेबल जो है एक आपको हर जगह में काम होता है, छोटा कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, किसी भी ऑफिस हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, किसी भी जगह में आपको टेबल का यूज करना होगा। स्कूल हो, कॉलेज हो, मार्कशीट बनाने के लिए, आपको इंडेक्सिंग बनाने के लिए, कहीं कहीं आपको टेबल का यूज ऐसा होता है कि करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल पर क्लिक करते हैं। टेबल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, आपको जो है बाय डिफॉल्ट टेबल मिल जाएंगे। मतलब कि कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हैं रोज कॉलम, तो आपको यहीं तक स्पेसिफिक डेटा मिलेंगे, मतलब स्पेसिफिक टेबल मिलेंगे, मतलब इतना ही मिलेंगे। इससे ज्यादा आप जो आप चाहिएगा कि मैं यहाँ पे 100 रोज ले लेते हैं और 100 कॉलम ले लेते हैं, तो नहीं ले पाइएगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक है ना, आपको बाय डिफॉल्ट इतना ही करना पड़ता है। तो इसके लिए भी एक उपाय है, टेंशन नहीं लेना, वीडियो को बस देखिए। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ से टेबल को क्रिएट करता हूँ। ये टेबल ले लिए, इतना रोज इतना कॉलम ले लिए, है ना। जैसे मैं आपको लिए, तो यहाँ देखिए आप ऊपर में जो है आपका एक व्यू शिफ्ट टैब था, व्यू जो देख रहे हैं आप, व्यू के बाद आपको डिजाइन और लेआउट टैब नहीं था। जैसे मैं टेबल के बाहर क्लिक करूंगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं अभी, देख के देखिए, मैं अभी टेबल के बाहर क्लिक करूंगा, तो यहां से देखिए आप दो आपका हट चुका है, यहां से हट चुका है ना। व्यू के बाद है कुछ, डिजाइन टैब है नहीं, 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 और लेआउट टैब है नहीं है। तो अभी बात किया मैं बोल रहा था आपको कि जैसे मैं इस टेबल के ऊपर में क्लिक करूंगा, इसके अंदर में रोज में सेल के अंदर
क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे दो टैब ओपन होगा। कौन टैब? एक डिजाइन टैब और एक लेआउट टैब। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस टेबल के अंदर मैं यहाँ पे क्लिक जैसे करूंगा तो यहाँ पर देखिए एक डिजाइन टैब ओपन हो चुका, एक लेआउट टैब ओपन हो गया है। घबराने की बात नहीं है दोस्तों। ओके, मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि यहाँ पे डिजाइन टैब कैसे आ गया सर, और यहाँ पे लेआउट टैब कैसे आ गया, नहीं था ना। तो अगर मैं बाहर क्लिक करूंगा तो यहां से देखिए हाइड हो गया। इसी के अंदर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां से डिजाइन टैब भी आ चुका है और लेआउट टैब भी आ चुका है। ओके, अब बात आती है यहाँ पे, मैं सेकंड बता रहा हूँ आपको इस टेबल को हम लोग डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे किया जाता है। अगर आपको इस टेबल को डिलीट करना है, इस पूरे सेल्स को, पूरे हॉल टेबल को डिलीट करना है तो कैसे कीजिएगा, तो आपको इस पे सिंपली तरीका से जो प्लस का आइकन देख रहे हैं आप, तो इस प्लस आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ये पूरा जो है सिलेक्ट हो चुका है डेटा, है ना। तो सिलेक्ट हो गया, अगर इसको मुझे डिलीट करना है, सिंपली तरीका से आप सिर्फ डिलीट प्रेस कीजिएगा तो आपका नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और डिलीट बटन दबा देना है दोस्तों। शिफ्ट और डिलीट बटन को दबाते ही आपका जो टेबल है वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, है ना। तो अभी मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। और फिर से इंसर्ट में मैं गया, इंसर्ट में जाने पर आपको टेबल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं आपको इस वाले ऑप्शन बता दिया आपको, है ना। ये अब यहाँ पे आपको मान लीजिए कि आपको रो लेना है, आपको 20-30 कॉलम, तो कैसे लीजिएगा, तो आपको इंसर्ट टैब पर मैं आपको क्लिक करूंगा, जो आप यहाँ पे देख रहे इंसर्ट टैब। ओके, तो इस इंसर्ट टैब पे मैं क्लिक करूंगा, तो कैसे करूंगा, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपको कुछ ऑप्शन पूछेगा क्या, कि नंबर ऑफ कॉलम कितना लेना है, नंबर ऑफ रोज कितना लेना है, है ना। सबसे पहली बात, आप यहाँ पे जो है ऑटो फिट बिहेवियर, यहाँ से तीन ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन को मैं आपको फुल्ली तरीके से ही बताऊंगा कि ऑटो फिट टू विंडो क्या होता है, ऑटो फिट टू कंटेंट क्या होता है, फिक्स कॉलम विथ कितना क्या होता है। ओके, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, चलिए नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ से मान लीजिए कि मैं आपको 5 नहीं, यहाँ से मैं आपको 10 ले लेता हूँ, और नंबर ऑफ रोज जो है आपको ले लेता हूँ 5। ओके, समझे। तो यहां से मैं लेने के बाद उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ओके पर क्लिक किए तो यहां देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम आ गया। ओके, है ना, उसी तरह। लेकिन यहां पे जो है आप अपने डिपेंड, एज अ डिपेंड, आप खुद से आप वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं, कितना आपको रखना है, कितना क्या करना। यहां पे मैं लिख देता हूं RCI और यहां पे मैं लिख देता हूं कंप्यूटर। ओके, ले अब बात आती है कि सर ये RCI कंप्यूटर को मुझे यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस चीज को सिर्फ डिलीट करना, और मेरा टेबल जो है, ये टेबल जो बना हुआ सेल वगैरह, कॉलम रो वगैरह रहे, तो कैसे हुआ। तो मैं आपको क्या बताया, सिंपली तरीका से आपको इस प्लस पे क्लिक करना है और सिंपली तरीका से आपको डिलीट पर क्लिक कर देना। जैसे डिलीट पर क्लिक कीजिएगा ना तो आपको देखिए वहां से जो लिखा हुआ था ना, जो टैब था वो डिलीट हो गया, हुआ ना। अब मुझे इस पूरे टेबल को डिलीट करना है, तो डिलीट करना का क्या करना होगा आपको, इस प्लस वाले पे क्लिक करना है, शिफ्ट और डिलीट को प्रेस करना है, तो आपका जो है टेबल जो है पूरा डिलीट हो गया। ओके, और फिर से मैं इंसर्ट टैब में जाता हूँ, टेबल पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट टैब पर, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करता हूँ। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करने पर यहां से आपको नंबर ऑफ कॉलम 5 लेते हैं, नंबर ऑफ रो 2 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है सर कि ऑटो फिट बिहेवियर क्या होता है, फिक्स कॉलम विथ कितना होता है, फिक्स कॉलम विथ क्या होता है। देखिए फिक्स कॉलम विथ क्या होता है कि आपका पेज पे डिपेंड करता है कि आप जो है पेज पे कितना सेंटीमीटर रखना चाहते हैं। जैसे कि मुझे जो है यहां से मैं आपको बड़ा करता हूँ 0.3, 0.1.2, 1.5, 1.68, आप कर दीजिए ओके पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका देखिए इस तरह से आपका आएगा दोस्तों। ओके, ये आपका था फिक्स विथ कॉलम के बारे में, समझे। और फिर से मैं इंसर्ट टैब पर क्लिक करता हूँ और टेबल पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट टैब पर क्लिक करता हूँ। ओके, और यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट क्या होता है, ऑटो फिट कंटेंट की मतलब होता है कि जितना आपका जो है पेज है ना, आपका जो भी पेज है जो लिए हुए साइज, उस पर आपको फिट हो जाए। तो क्या करना, ऑटो फिट टू कंटेंट पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर देखिए ऑटो फिट कंटेंट पर क्लिक हो गया। अब ये बात आती है कि ये क्या ऑटो फिट कंटेंट क्या होता है। अब मुझे इसमें लिखना कंप्यूटर, तो जो भी लिखेगा ऑटोमेटिक अपने जो है ऑटो फिट होता रहेगा, मतलब अपने आप बढ़ता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ तो बढ़ रहा है ना। अब मैं लिखूंगा कि एजुकेशन, देखिए अपने आप देखिए बढ़ रहा है ना। इसी तरह अब मुझे यहाँ पे लिखना, मान लीजिए कि RCI कंप्यूटर, देखिए ऑटोमेटिक, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो फिट कंटेंट, मतलब कि ऑटो फिट जो मैं यहाँ पे टाइप करें ऑटोमेटिक जो है बाय डिफॉल्ट बढ़ता जाए, सेल्फ अपने ऑटोमेटिक बढ़ता जाए। तो ये भी बहुत जरूरी है सीखना आपको, है ना।
तो ये होता है ऑटो फिट कंटेंट, इसको मैं आपको शिफ्ट और डिलीट से डिलीट करता हूँ। फिर से इंसर्ट टैब में गए, टेबल पे क्लिक किए, इंसर्ट टैब पर क्लिक किए। ऑटो फिट विंडो क्या होता है? ऑटो फिट विंडो के मतलब क्या होता है ना, जो यहाँ पे पूरे होल जो आप देख रहे हैं, मेरा पेज जो देख रहे हैं, इस पेज पे ऑटोमेटिक सेट हो जाए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बहुत सारा ले लेता हूँ कॉलम रोज और ओके पर क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ से आपका रूलर जितना उतना आपका साइज यहाँ पे ले चुका है। तो ये आपका था ऑटो फिट विंडो और ये आपका है ना, ये सारा आपका था। तो इसको मैं आपको शिफ्ट और प्लस डिलीट कर देता हूँ। फिर में आज इंसर्ट टैब में हम सीख लिए आपको फिक्स विद कॉलम, आपको ऑटो रख सकते हैं, कितना सेंटीमीटर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आपका चौड़ाइया इसको कितना रख सकते हैं, कितना सेंटीमीटर रख सकते हैं। ऑटो फिट टू कंटेंट्स के मतलब होता है कि ऑटोमेटिक आप जो है पांच कॉलम पांच रोज जितना लेना है ले लीजिए, और जो भी टाइप करना ऑटोमेटिक वो कंटेंट आउट ऑफ फिट मतलब अपने आप फिट होता जाएगा। तो ये होता है ऑटो फिट कंटेंट का मतलब। ऑटो फिट विंडो के मतलब क्या होता है ना दोस्तों, ऑटो फिट क्या होता है कि पूरे को जितना आप पेज लिए हुए हैं, लेटर में लिए हुए हैं, ए फोर साइज में लिए हुए हैं, ए फाइव लिए, ए थ्री लिए हुए हैं, उस पर जाके आपको सेट हो जाएगा दोस्तों। तो ये था आपको इंसर्ट टेबल के अंदर आपको फिक्स कॉलम विद ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडो। ये सब मैं क्यों बताया, ताकि आप पूरी जब टेबल सीख रहे हैं ना, तो इस टेबल को सही ढंग से आप जो है जान लीजिए, सीख लीजिए, ताकि आपको काम देगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसको कैंसिल किए, फिर से मैं टेबल पे क्लिक किए, तो यहां से अब बात आती है ड्रॉ टेबल। देखिए ड्रॉ टेबल क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको कुछ भी डिजाइन करना है टेबल में, खुद से मैनुअली करना है ना, खुद से डिजाइन, खुद से टेबल क्रिएट करना है, तो खुद से भी आप कर सकते हैं एज अ पेंसिल। ओके, तो आपको मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया ना, उसके बाद आपको जितना यहाँ पे ड्रॉ करना कर दिए, देखिए दोस्तों इस तरह से। और यहाँ पे आपको जितने रोज लेना है, जितने कॉलम लेना है, तो आपको यहाँ पे जो है कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से, तो इस तरह से जो है आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके, यहाँ से आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट की तरफ। एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करिएगा। एक्सेल स्प्रेड पे क्लिक करने का आपको यहाँ पे जो है एक्सेल ओपन हो जाएगा। क्या ओपन होगा? एक्सेल। अब यहाँ पे जो है आपको टाइप करना है, मान लीजिए मुझे RCI टाइप किए और यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन। ओके, तो ये आपको एक्सेल में आपको ओपन हो गया दोस्तों। ओके, क्या चीज में ओपन? बाहर क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए ये आपका टेबल के रूप में MS वर्ड में फिर आपको कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट हो गया, बस सिंपली तरीके से डिलीट प्रेस करना और डिलीट कर देते हैं दोस्तों। फिर से हम लोग टेबल में एक और चीज है क्यूब टेबल। क्यूब टेबल के मतलब होता है बनाया हुआ टेबल। यहाँ से आप जो है कैलेंडर ले सकते हैं, आप कैलेंडर टू है, बहुत सारा आप यहाँ पे ऑटोमेटिक बाई डिफॉल्ट होता है, तो यहाँ से आप मैनुअली, यहाँ से आप अगर आपको बनाने का मूड नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आप बना सकते हैं टेबल। समझ चुके होंगे आप, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन टैब क्या होता है और लेआउट टैब क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है कुछ टेबल को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ले चुका हूँ। ओके, और यहाँ से आप इसको पकड़ के यहाँ से टेबल को बड़ा कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एक डिजाइन टैब ओपन हो गया और यहाँ पे एक लेआउट टैब ओपन हो गया दोस्तों। डिजाइन टैब, लेआउट टैब, समझ चुके होंगे आप, है ना। तो ये टैब को मैं है आपको दूसरा एक ओपन कर देता हूं, यहां से मैं यहां बना कर रखा हूं जैसे कि उसे। ओके, इस पर मैं क्लिक किया तो यहां देखिए डिजाइन टैब पर क्लिक किया तो डिजाइन टैब आ गया। ओके, अब मुझे इस टेबल सिंपल लग रहा है टेबल ना, तो इस टेबल को मुझे क्या करना है, डिजाइन करना। तो इस टेबल को हम लोग डिजाइन कैसे करेंगे? तो इस टेबल को डिजाइन करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, कोई भी एक डिजाइन आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि मुझे इस टेबल को डिजाइन करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं डिजाइन पर क्लिक किया, डिजाइन पर क्लिक करने के बाद है ना, हाँ दूसरी बात बता रहा हूँ कि अब ये सब क्यों करते हैं। देखिए जब बहुत बड़ा बड़ा जब टेबल आप ड्रॉ कीजिएगा, बहुत बड़ा बड़ा टेबल बनाइएगा ना, तब हम लोग ये डिजाइन वगैरह करने में मजा भी आता और यूज भी किया जाता है। ओके, तो इस पर क्लिक करना है आपको। मैं मान लीजिए मुझे इस टेबल को लेना, इस डिजाइन मुझे अच्छा लग रहा है या ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, तो इस पर मैं क्लिक किया तो यहाँ देख सकते हैं ना कि कितना अच्छा खूबसूरत डिजाइन टेबल बन चुका है। ओके, तो यहाँ से आप जो भी डिजाइन लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिजाइन ले सकते हैं, आपका एज अ डिपेंड। ओके, हम लोग पढ़ते हैं धीरे धीरे हेडर रो क्या होता है। हेडर रो पे जैसे हम क्लिक किए तो यहाँ से ऊपर देख सकते हैं कि आपका हेडर जो है गायब हो गया।
जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख रहे हैं कि फिर से हेडर आ चुका है। ओके, तो ये आपको हेडर लाने के लिए, मतलब कि ऊपर वाला लाइन लाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब यहां पे बात आती है टोटल रो। टोटल रो के मतलब होता है कि आपका टोटल जितना रो है आपको यहां पे कन्वर्ट करेगा। तो यहां जैसे मैं टोटल रो पर क्लिक करेंगे तो आपको ध्यान नीचे देखिएगा, नीचे दीजिएगा ध्यान यहां पे कि टोटल रो कितना होता है। देखिएगा बोल्ड कर देगा, टोटल रो पे जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा जो है टोटल रो को बोल्ड कर दिया, मतलब इतना इतना आपका रो है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से अब आता है बैंडेड रोस, क्या है जी बैंडेड रोस, कभी मैं आपको डिसेबल कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे मुझे क्या बोले मैं, अगर बड़ा बड़ा जब टेबल बनाने के लिए क्रिएट किया जाता है ना तो हम लोग बैंडेड रोस का यूज करते हैं, मतलब कुछ टेबल को हम लोग हाइड रखते हैं, कुछ टेबल को ड्रॉ करते हैं, रंग करते हैं, कलर करते हैं। जैसे मैं बैंडेड रोस पर क्लिक करेंगे, देखिए कुछ टेबल को जो है रंग कलर कर दिया, कुछ टेबल जो है हमारा रोज जो है कॉलम जो है व्हाइट है, तो ये आपको कहलाता है बैंडेड रोज। क्या कहलाता है? बैंडेड रोज कहलाता है। ओके, ये आपको हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रोज आप समझ चुके होंगे, आई नो। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट कॉलम। देखिए दोस्तों फर्स्ट कॉलम में अभी ये कर दिया हूं, डिसेबल कर दिया हूं। फर्स्ट कॉलम के मतलब कि आपको ये जो लाइन देख रहे हैं कॉलम, ये कॉलम, रो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कॉलम। तो अभी क्या बोल्ड है? नहीं ना बोल्ड। जैसे मैं फर्स्ट कॉलम पर मैं क्लिक करूंगा ना तो ये सारा जो है कॉलम आपको बोल्ड हो जाएगा। कैसे? देखिएगा ऐसे क्लिक किए तो देखिए पूरा आपको जो यहाँ पे जो है हमारा कॉलम जो है फर्स्ट कॉलम बोल्ड हो चुका है दोस्तों। दूसरा बात आती है लास्ट कॉलम की, जो यहाँ पे लास्ट कॉलम देख रहे हैं। लास्ट कॉलम के मतलब कि हमारा कॉलम जो लास्ट कॉलम है उसको मुझे बोल्ड करना है, तो उसको कैसे हम लोग बोल्ड करेंगे? तो लास्ट कॉलम पे मैं क्लिक करूंगा ना तो यहाँ देखिए ये लास्ट कॉलम जो है आपका बोल्ड हो गया दोस्तों। तो ये देख रहे हैं आपका लास्ट कॉलम जो है बोल्ड हो गया है। अब बैंडेड कॉलम क्या होता है? जैसे मैं आपको बैंडेड कॉलम पे क्लिक करूंगा तो देखिए जो कॉलम आपका था, मैं आपको बैंडेड रोज बताया था ना, तो ये आपका सारा बैंडेड रो हो गया था, अभी जो है सारा बैंडेड मतलब कलरफुल हो गया, बैंडेड कॉलम जो है आपका कलरफुल हो गया जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो ये आपका था आपको हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम, ये आपका अभी इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कर दिया हूं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आप समझ चुके हैं। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और आपको मैं क्लास जरूर दूंगा। ओके, चलिए तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे शेडिंग क्या होता है। अगर मान लीजिए कि शेडिंग, अगर मुझे इस नंबर को 34 जो लिखा हुआ है 34 पे आपको क्लिक करना है, 34 पे क्लिक करने के बाद आपको इसको मुझे जो है शेडिंग करना है, मतलब शेड करना है, शेड का तो इस पे क्लिक करेंगे मुझे ब्लैक देना है, रेड देना है, इसको हम क्लिक किए तो ये आ गया। ओके, इसको देना है तो आपको यहां से क्लिक करके आप जो है ब्लैक दे सकते हैं। जो भी नंबर को आपको हाइड करना है तो आप यहां से शेड वगैरह दे सकते हैं, इस तरह से आप जो है सारा कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आती है बात बॉर्डर स्टाइल की। तो बॉर्डर स्टाइल के मतलब होता है कि आपको कैसा कैसा बॉर्डर रखना है, रेड रखना है, कौन सा कलर वगैरह में रखना है। जैसे कि मुझे ब्लू रखना है तो आपको यहाँ से जो है आपको बस इस तरह से क्लिक कर देना है, इस तरह से भेज देना है, तो आपका जो है बॉर्डर जो है कलर हो जाएगा, समझ गए। तो ये आपका पेन कलर है, यहाँ से जो है आप जो है कलर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, कलर वगैरह सिलेक्ट कर यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मुझे पूरे बॉर्डर को जो है कौन सा कलर देना है, मान लीजिए कि मुझे मान लीजिए मुझे ये स्काई ब्लू देना है। ओके, तो मैं बॉर्डर पे गया, उसके बाद आपको क्या करना है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे पूरे बॉर्डर देना, पूरे टेबल को हम लोग एक बॉर्डर लगाना है। क्या करना है? इस पूरे टेबल को हम लोग क्या करना है, एक बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर कैसे लगेगा? तो बॉर्डर लगाने के लिए क्या करना होगा मालूम है ना, बस इसको सिलेक्ट कर लेना है, ऑल टेबल सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट करने के बाद आपको बॉर्डर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ऑल बॉर्डर, तो ऑल बॉर्डर पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए पूरे बॉर्डर को आप जो यहाँ पे देख रहे हैं कि टेबल लग गया, टेबल लग गया ना, ये पूरे बॉर्डर को, पूरे टेबल को हम लोग बॉर्डर लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको सिलेक्ट करना है और डिजाइन टैब पर जाना है, बॉर्डर पे जाना है, यहाँ से टॉप में लगाना है, राइट में लगाना है, ऑल बॉर्डर, आउट साइड बॉर्डर, इन साइड बॉर्डर, इन साइड हॉरिजेंटल बॉर्डर, है ना, ड्रॉ टेबल, यहाँ सारा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता हो क्योंकि कलर मैं दूसरा देता हूँ, तो यहाँ से पेन कलर में मैं क्लिक करके ब्लैक दे दिया और यहां से बॉर्डर आपको इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लिए, बॉर्डर पे गए और उसको ऑल बॉर्डर पे मैं क्लिक कर दिया। जैसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया दोस्तों तो यहाँ देखिए सारे बॉर्डर जो सारे टेबल पे क्या हुआ ना, बॉर्डर लग गया, सारे टेबल पे क्या हुआ, बॉर्डर लग चुका है। तो इस तरह से जो है आपको टेबल लगा सकते हैं, मतलब कि अच्छा मॉडिफाइड करने के लिए। तो मैं अभी आपको जो है डिजाइन टैब में लगभग लगभग सारा बता दिया आपको,
ये सारा कंप्लीट कर चुका हूँ। डिजाइन सेटिंग क्या होता है, बॉर्डर स्टाइल क्या होता है, पेन कलर क्या होता है ना, बॉर्डर कैसे लगाया जाता है, बॉर्डर पेंट करने के लिए भी आपको बता दिए। तो बॉर्डर पेंट करने के लिए आपको इस तरह से जो है आपको कौन सा बॉर्डर पेंट करना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं ले और टैब के बारे में। तो ले और टैब पर जैसे मैं क्लिक किया, ओके, तो ले और टैब पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आता है सिलेक्ट, क्या ऑप्शन आता है दोस्तों, सिलेक्ट आता है, क्या आता है, एक सिलेक्ट आता है, व्यू ग्रिड लाइन प्रॉपर्टीज ड्रॉ टेबल, ये सारा आता है। तो मैं अभी धीरे धीरे एक एक जितना भी देख रहा है ना सारा भी अब कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आता है सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट टेबल। अगर मुझे सिर्फ जो है सेल को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट सेल पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मुझे इस सेल को सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक किए और यहाँ पे क्लिक किए सिलेक्ट सेल पर, तो ये आपको सिलेक्ट हो चुका है, हुआ ना। इसी तरह आपको जो है आपको यहाँ पे जो है सिलेक्ट कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो कॉलम पे क्लिक कीजिएगा और आपको सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। अब मुझे आपको पूरे टेबल को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट टेबल, तो आपका पूरा टेबल जो है सिलेक्ट हो गया, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से जो है आपका टेबल सिलेक्ट हो जाता है दोस्तों, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्यू ग्रिड लाइंस क्या होता है। मान लीजिए कि ये जो है अभी फिलहाल के लिए मैं आपको टेबल पे बॉर्डर लगा दिया, और यहाँ पे जो है सिंपली तरीका से मान लीजिए कि आपको बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, और कभी बाय चांस ऐसा होता है ना कि बॉर्डर आप लगाएं लेकिन दिख भी नहीं रहा है, शो भी नहीं कर रहा ना कि बॉर्डर हट गया, मतलब हाइड हो गया, पता ही नहीं चला, तो आपको ये बॉर्डर कैसे आएगा, ये बॉर्डर जो है कैसे आएगा, ये बॉर्डर कैसे आएगा। तो बॉर्डर लाने के लिए बहुत पुरानी बात है, बहुत सस्ती बात है, बहुत इजी बात है ना। तो व्यू ग्रिड लाइंस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा यहाँ पे बॉर्डर वगैरह आपको सारा दिखने लगेगा, बहुत बड़ी बात नहीं, ओके। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रॉपर्टीज, मैं अभी प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा लास्ट में, क्यों बट समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे ड्रॉ टेबल, तो अपने से टेबल को ड्रॉ करने के लिए अभी मैं पिछले बताया आपको, यहाँ पे टेबल पर क्लिक करना और यहाँ से आपको जो है बस सिंपली तरीके से अपना खुद से रॉ कॉलम को जो है आप इनपुट कर सकते हैं, ड्रॉ क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से, है ना। अब यहाँ पे आता है इरेजर, तो इरेजर पे क्लिक करके मुझे इसको डिलीट करना, तो इस पे क्लिक किए, 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 इस पे क्लिक किए और इस पे क्लिक किए। तो हमारा इरेजर का यूज क्या होता है कि आपको जो है किसी भी टेबल को, किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को डिलीट करना, मतलब कि इरेज करना, मतलब कि मिटाना, समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिलीट की तरफ। डिलीट के मतलब होता है हमारे, मान लीजिए मुझे किसी सेल को डिलीट करना है, किसी कॉलम को डिलीट करना है, किसी रोज को डिलीट करना है, किसी टेबल को डिलीट करना है, तो आप यहां से भी जो है ऑप्शन मिल जाएंगे। अब मुझे मान लीजिए मुझे इस वाले सेल को डिलीट करना है, तो आपको डिलीट पे क्लिक करना है। डिलीट सेल पे आपको सिंपली तरीके से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन आएगा कि लेफ्ट अप, तो मुझे आपको लेफ्ट तरफ ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो सेल जो है गायब हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। तो कंट्रोल जेड की मदद से मैं इसको ला देता हूँ, आ गया ना। तो इस तरह से जो है आपको किसी भी टेबल को, किसी भी रो को, किसी भी सेल को, किसी भी पूरे टेबल को डिलीट करने के लिए आप यहाँ यूज कर सकते हैं। आप तो बहुत ही अच्छे हैं, समझदार स्टूडेंट हैं, तो आपको बिल्कुल ये सब तो इजी आपके लिए तो समझ चुके होंगे, है ना। और यहाँ भी आप समझ रहे हैं इंसर्ट अबव, इंसर्ट क्या होता है, इंसर्ट बिलो क्या होता है, इंसर्ट लेफ्ट क्या होता है, इंसर्ट राइट क्या होता है। इंसर्ट एबव के मतलब मुझे किसी भी वैल्यू को, किसी भी एक सेल्स को ऊपर में जो इंसर्ट करना है, तो ऊपर में करना है, तो इंसर्ट एबव पर क्लिक करना है, तो आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो हमारा सेल जो है आपको इंसर्ट हो गया। अब मुझे नीचे करना है तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ऑटोमेटिक होता जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। इंसर्ट लेफ्ट अगर आपको बाया साइड में करना है तो इंसर्ट लेफ्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका बाया हो जाएगा। इंसर्ट राइट में करना है तो आपका एक सेल जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। कंट्रोल जेड की मदद से मैं आपको इसको हटा देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे बात आती है सर स्प्लिट सेल क्या होता है ना। स्प्लिट सेल क्या होता है बाबू, स्प्लिट सेल के मतलब होता है क्या बताइए, स्प्लिट द करेंट सेल इनटू द मल्टीपल सेल। मान लीजिए कि यहाँ पे इस टेबल में बनाया हूं और इस टेबल को यहाँ पर क्या करना है, मुझे जो है बीच में या लास्ट में या कहीं पर भी मुझे दो से तीन जो है आपको सेल्स को लाना है, स्प्लिट करना है लेफ्ट राइट कहीं पर भी, तो कैसे कीजिएगा, तो बहुत इजी है। इस पर क्लिक करना है या कहीं पर क्लिक करना है, स्प्लिट सेल पर क्लिक करना है। स्प्लिट सेल पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे जो है एक ऑप्शन आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज, मतलब कि आपको जो है कितना नंबर ऑफ कॉलम देना है, कितना नंबर ऑफ रोज देना है।
ओके, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। उसके बाद आपको ओके पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहां पर देखिए, आप यहां पर देख रहे होंगे ना कहां पर, यहां पे तो देखिए, यहां पे बता रहे हैं आपको, यहां पर देखिए नंबर ऑफ रोज, नंबर कॉल ऑफ आ गया ना, अलग अलग हो गया ना। तो इस तरह से जो है आप जो है स्प्लिट सेल का मदद से आप यूज कर सकें दोस्तों। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल, स्प्लिट टेबल का मतलब क्या होता है ना, ये टेबल को जो है आपको मान लीजिए मुझे हाफ ऑफ करना है, मतलब 576 से ऊपर वाला अलग हो जाए और 576 वाला से नीचे अलग हो जाए, तो कैसे करिएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, सिंपल बात, उसको स्प्लिट टेबल पर क्लिक कर देना, बस देखिए दो टेबल, दो टुकड़ा बढ़ गया, एक टेबल ऊपर हो गया, एक टेबल नीचे हो गया। तो इस तरह से है ना आप अलग अलग दो टेबल को अलग अलग जो है कर सकते हैं दोस्तों, समझे? नहीं देखें अभी बता रहे हैं आपको, जूम करके देखिए, यहाँ पे दो टेबल है ना, बढ़ गया ना, एक टेबल ऊपर हो गया, एक टेबल मतलब कि टुकड़ा में बांट देना, टुकड़ा में बढ़ गया। ओके, समझ चुके होंगे, तो कंट्रोल जेड की मदद से हम इसको मिला देते हैं। ओके, तो मैं आपको ले और टैब में अभी बताया आपको स्प्लिट टेबल के बारे में। ओके, अभी समझ चुके होंगे ऑटो फिट क्या होता है। देखिए ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट फिक्स कॉलम विथ, मैं अभी अब आपको बताया ना कि हम लोग किसी भी टेबल को कैसे फिक्स करेंगे, ऑटो फिट विंडो में कैसे करेंगे, कैसे हम लोग कंटेंट करेंगे, इस सारा मैं बताया। ऑटो फिट कंटेंट के बारे में बताया आपको, हमको कुछ टैप करते जाएंगे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट बढ़ता जाएगा। विंडो के मतलब कि जितना आपका विंडो है उस पर डिपेंड होगा, फिक्स विथ कॉलम विथ आपको कितना फिक्स करना, कितना सेंटीमीटर पर रखना, ऐसा आप पे डिपेंड करता है, वो देख लीजिएगा। ओके, यहां से आपका एक ऑप्शन आता है हाइट का, एक विथ का, यहां आप कितना हाइट और विथ देकर आपने टेबल को यहां पर देख सकते हैं दोस्तों। ओके, ये आप समझ चुके होंगे इतना। अब मैं आपको बताऊंगा आपको ये अलाइन टॉप सेंटर, अलाइन लेफ्ट सेंटर, राइट राइट सेंटर, ये क्या होता है। अब मुझे जो 45 लिखा हुआ, ये इस 45 को जो है ना मुझे क्या करना, बीच में करना, तो कैसे कीजिएगा बीच में, तो बीच में करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बीच में करना है तो आपको बस इस पे क्लिक कीजिए, देखिए बीच में आ गया। अब इसको मुझे राइट में करना है तो उसके बाद आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक कीजिए तो राइट में आ गया, इसमें लेफ्ट में क्लिक कीजिए तो लेफ्ट में आ जाएगा, बिलो तो नीचे आ जाएगा, अप तो बीच में आ जाएगा। तो इस तरह का आप यहाँ पे जो है सारा कंटेंट का अलाइन का यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये सारा मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये सारा अभी आपको डिजाइन टैब और लेआउट टैब के अंदर। अभी आपको मैं क्या बताया था प्रॉपर्टीज के बारे में, ये प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे फाइल पर क्लिक करके एक टेबल को फिर से न्यू टेबल एक ले लेता हूँ। ओके, यहाँ से एक नया टेबल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगा देता हूँ इक्वल टू रैंड, यहाँ पे इनपुट कर दिया। ओके, अब बात आती है कि मैं क्यों ये किया, ये जो मैं क्यों किया। अब मुझे यहाँ पर मान लीजिए मुझे बीच में टेबल लगाना है तो कैसे लगाइएगा, ये जो लिखा हुआ है ना, जो टाइप किया हुआ है जो मेरा कंटेंट, अब इसके बीच में यहाँ पर जो है मुझे टेबल लगाना है तो कैसे टेबल लगाइएगा जी। यहाँ पर टेबल लगाने के क्या करना होगा, बहुत बड़ी बात है यार। तो सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना होगा। इंसर्ट टैब पर आपको क्लिक करने के बाद क्या करना होगा मालूम है आपको, यहाँ से एक मान लीजिए मुझे टेबल लेना है ना, तो यहाँ पे टेबल ले लिए। अब बात आती है टेबल तो ले लिए, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, लेआउट टैब पर जाएंगे। लेआउट टैब पर जाने के बाद क्या करना है मालूम है ना, प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं, राइट, हम राइट में क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, आपका टेबल जो है राइट साइड में हो गया, हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको इस पर क्लिक करना है और आपको प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है। अब मुझे मान लीजिए कि सेंटर में ऑलरेडी है, क्या कर दें आपको, चलिए सेंटर में लेफ्ट में करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। देखिए हल्का घसा था लेकिन आपको नहीं दिख रहा ना, क्योंकि हम थोड़ा सा बड़ा ले लिए टेबल इसलिए। तो इस तरह से जो है प्रॉपर्टीज का यूज किया होता है ना, किसी भी टाइपिंग किया हुआ जो कंटेंट आर्टिकल्स लिखा हुआ है ना, उसके लेफ्ट साइड में राइट साइड में टेबल को रखने के लिए आपको जो है प्रॉपर्टीज का यूज किया था। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है और टेबल पे ऑलरेडी क्लिक है ही है, यहाँ पे सेंटर राइट अराउंड नन कुछ भी करके आप यहाँ कर सकते हैं। रो पर क्लिक करके यहाँ से आप स्पेसिफिक हाइट उसका दे सकते हैं और रो का हाइट दे सकते हैं। कॉलम पे वही हाल है, सेल का कितना आपको हाइट रखना, कितना विड्थ रखना, कौन सा सेल को कॉलम में रखना, वो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो है आपका प्रॉपर्टीज का यूज करना है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपको बताया इंसर्ट टैब के अंदर टेबल, टेबल के अंदर मैं आपको पूरा तरीका से एक एक चीज मैं आपको बता चुका हूँ। डिजाइन टैब क्या होता है, डिजाइन टैब के अंदर आपको सारा कवर कर चुका हूँ। यहाँ से डिजाइन टैब, शेडिंग, बॉर्डर स्टाइल, पेंट कलर, बॉर्डर पेंटर, लेआउट, पे लेआउट, सॉरी लेआउट के अंदर
ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड रोज क्यों नहीं होता, मतलब कि आधा आपको इसको काट देना, आधा रो को काट देना, आधा रो को रहने देना, वो होता है। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम जो होता है ना, आधा रो कॉलम को ऊपर वाले हिस्से को काट देना, आधा हिस्से को रह देना, वो होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली तो इतना समझा देते हैं, बता देते हैं आपको, लेकिन सबसे पहले आपको वीडियो देखने के बाद, एक बार अगर वीडियो समझ नहीं आया तो दो बार वीडियो देखिए, दो बार नहीं तो तीन बार देखिए, और देख के अपने घर में आप जरूर एक बार प्रैक्टिकली कीजिए, तो आपको क्या होगा ना, सारा आ जाएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम लोग जानते हैं इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब के अंदर मैं आपको बताया टेबल टैब के बारे में, और टेबल टैब के पूरा आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों, टेबल पूरा बता दिया। कल की वीडियो में आपको कुछ टेबल ही पर वीडियो लेकर आऊंगा, और उसमें बताऊंगा कैसे हम लोग होटल का रिसेप्शन होता है ना, क्या बोलते हैं, बिल वगैरह कैसे बनाते हैं, स्कूल का जो फीस रिसिप्ट जो होता है, ट्यूशन वगैरह का, वो सब कैसे बनाते हैं टेबल में। तो कल हम वीडियो लेकर जरूर आएंगे, तो वीडियो को भी जरूर आप देखिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जाकर चैनल को जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भी कंप्यूटर सीख सके और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्यूटर सीख कर आप सर्टिफिकेट ले सके दोस्तों। तो आज आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।